हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाते हैं एकदम चटपटी, टेस्टी और हेल्दी मेथी स्प्राउट्स। मेथी स्प्राउट्स खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं फ्रेंड्स। तो चलिए इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। 2 चम्मच अंकुरित मेथी लिया है हमने। अंकुरित मेथी खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। 1 बाउल हमने अंकुरित चना लिया है। अंकुरित चना में बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। 1 बाउल अंकुरित मूंग लिया है। अंकुरित मूंग पोषक तत्वों का भंडार है जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। सुबह का नाश्ता एकदम हेल्दी होना चाहिए। स्प्राउट्स खाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। मेथी स्प्राउट्स, चना स्प्राउट्स, मूंग स्प्राउट्स में बहुत सारे विटामिन हैं जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। मेथी में प्रोटीन, फाइबर, नियासिन, पोटेशियम और आयरन, आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है। फ्रेंड्स, अगर आप अपना वज़न घटाना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है इस तरह का चटपटी, टेस्टी, हेल्दी स्प्राउट्स। आप बनाकर सुबह के नाश्ते में ले सकते हैं। हेल्दी स्प्राउट्स बनाने के लिए हमने लिया है 1 बारीक कटी हुई सेब, 1 बारीक कटा हुआ खीरा, 1 टमाटर बारीक कटी हुई, 1 प्याज कटी हुई, थोड़ी से मैंने पुदीने की पत्ती, थोड़ी से हरी धनिया लिया है, 2 हरी मिर्च और थोड़े से अदरक। इन सभी चीज़ों को मैंने बारीक काट लिया है। आप अपनी पसंद के कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। तो स्प्राउट्स में डालने के लिए हम मसाला देख लेते हैं। मसाले में हमने लिया है चाट मसाला 1 चम्मच, 1/2 चम्मच काला नमक, 1/2 चम्मच सेंधा नमक, 1 चम्मच भुना जीरा, 2 से 3 कली मैंने लहसुन के लिए हैं। अगर आपको पसंद है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप कर दीजिए। 2 चम्मच ड्राई रोस्ट किया हुआ मूंगफली दाना, 2 चम्मच ओट्स, अच्छे से मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया है। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं स्प्राउट्स। स्प्राउट्स बनाने के लिए हमें 2 चम्मच स्प्राउट्स चना लिया है, 2 चम्मच स्प्राउट्स मूंग लिया है और 2 चम्मच स्प्राउट्स मेथी। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें सभी चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे। खीरा, टमाटर, सेब, प्याज, पुदीना, हरी धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन, इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिला देंगे। ये सारी चीज़ें हमने डाल दिया है। इसमें रोस्टेड मूंगफली और ओट्स भी डाल देंगे और अब इसमें सभी मसाले हम डाल देंगे और अब हम इसमें लहसुन की कली को बारीक बारीक काट कर डाल देते हैं। हमने डाल दिया है लहसुन कटी हुई बारीक। अब हम 1/2 नींबू का रस डालेंगे। 1/2 नींबू का रस अगर आपको पसंद हो तो आप इसमें 1 नींबू डाल सकते हैं और अगर आपको पसंद नहीं है नींबू तो थोड़ा सा नींबू इसमें डालिए, चटपटा टेस्ट आएगा, बहुत ही अच्छा और टेस्टी लगता है खाने में। तो चलिए इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं हम। अब हम ऊपर से रोस्टेड मूंगफली डालेंगे और ओट्स, ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे गार्निशिंग के लिए। तो लीजिए फ्रेंड्स, हेल्दी स्प्राउट्स बनके तैयार है। अगर आपको हमारी ये स्प्राउट्स बनाने की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताइए कैसी लगी ये रेसिपी स्प्राउट्स बनाने की। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।